अगर जी काका 5 मिनट और लेट आते तो हमें सारी बात पता चल जाती। एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि किसी बंगाली लड़के का चक्कर था, है कि नहीं? लेकिन मंजीत, इतना पता होने से कुछ नहीं होगा, हमें पूरी बात पता करनी होगी। लेकिन कैसे? माया बुआ? माया बुआ से पता करें। मंजीत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो तुम्हारा बैंड बजा देंगी। अब बिल्ली के गले में ये वाली घंटी कौन बांधेगा? मैं। जब मैं ये कॉफी लेके जाऊंगी तब जानने की कोशिश करूंगी। बिंदिया, अगर पुराने रिश्ते और पुराने खुशियों को लौटाना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। मंजीत, ऑल द बेस्ट। Come in. Coffee. तुम कुछ भूलती नहीं हो और पंक्चुअल भी हो। Good. I like it. मीडिया रिपोर्टर हो? जी बुआ जी। मतलब इधर की खबर उधर करती हो? जी नहीं, सच्ची खबर तक पहुंचकर उसे सामने लाती हूँ। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। थैंक्स। वैसे उस दिन आपने क्यों पूछा था कि मैं पंजाबी हूं और फिर भी मेरी शादी गुजराती परिवार में हुई है? एक गुजराती परिवार में पंजाबी लड़की की शादी हो, अजीब बात है ना? मैं भी सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी कि एक... सच्चाई तो ये है बुआ जी कि मैं और महेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और प्यार किसी भाषा, धर्म या जात का मोहताज नहीं होता। प्यार किसी से भी हो सकता है, फिर वो गुजराती हो, पंजाबी हो, या बंगाली, या बंगाली, या बंगाली, या बंगाली। स्मार्ट हो, स्मार्ट ही रहो। ओवर स्मार्ट बनने की गलती मत करना, कम से कम मेरे सामने नहीं, कभी नहीं। मैंने कुछ गलत कहा? सच्चाई तक पहुंचना चाहती हो ना तुम? तुमने बंगाली क्यों कहा? क्यों कहा? किसने बताया तुम्हें? किसने? मोटी बात, आपकी चुटकी उन्होंने। Get out. Get out. बुआ जी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? चली जाओ यहाँ से। पर हम सब तो आपसे। मंजीत। बुआ जी, प्यार किसी से नहीं। मंजीत!